हेलो गाइस, मैं आपको लेकर आया हूँ ट्रांसफार्मर के एक एसेंशियल पार्ट्स के बारे में बात करने। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये 500 केवीए का एक ओएलटीसी टाइप ट्रांसफार्मर है, बट आज हम इसकी बात करेंगे सिर्फ इस पार्ट्स के बारे में। इसे बोलते हैं मार्शलिंग बॉक्स। ठीक है, मार्शलिंग बॉक्स में जैसे कि आप ये घड़ी टाइप के दो देख रहे हैं, ये है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर जिसे WTI बोलते हैं, और ये है ऑयल टाइप इंडिकेटर। जैसा कि अभी हम इसे क्लोज में जाने से पहले ये देख लेते हैं, ये वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर की जो सेंसर की जो सिग्नल्स है ना, ये सेंसर देखो, दोनों सेंसर जो है ये आपके यहाँ एक कनेक्ट हो गए, यहाँ कनेक्ट हो गया वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर पे, और एक दूसरा इस तरफ से ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। अब चलो क्लोज से हम एक वन बाई वन देखते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं दिखाना चाहूँगा। ये आप साइड में देख रहे होंगे, जस्ट होल्ड ऑन थोड़ा, हाँ ये देखो ध्यान से देखो, ये S1 और एक S2 है, और उसके बगल में S1 डैश अलार्म, नीचे में S2 डैश ट्रिप। अब आप यहाँ पे देखो, ये है टेम्परेचर सेट करने का पैरामीटर। ठीक है, S1 सेट है और ये S2 है। S1 मीन्स अलार्म, S2 मीन्स ट्रिप। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना, ये S1 जो है ना अलार्म, वो सेट ही, ये S1 वाली नीडल जो है वो सेट है 80 पे। ठीक है, 80 पे सेट है, और ये जो ट्रिप वाली इंडिकेशन है वो 90 पे सेट है। दैट मीन्स कि वाइंडिंग टेम्परेचर अलार्म का, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर का अलार्म जो है वो 80 डिग्री जैसे ही रीच करेगा, वो अलार्म हुटर बजने लगेंगे। जो भी अलार्म सिस्टम है पैनल में, हुटर बजेंगे, और जैसे ही अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया हुटर पे, तो वो फिर जैसे 90 डिग्री रीच कर जाएगा वाइंडिंग टेम्परेचर, तो ये VCB को, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। ठीक है, तो इसकी जो ट्रांसफार्मर की इनकमर सप्लाई है वो ऑफ हो जाएगी। ठीक इसी टाइप से आपका ओप्पो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर में भी सारा कुछ सेम ही होता है। ठीक है, ये, और इसमें बेसिकली पहले जो आता था ना, वो मर्करी टाइप एक ट्यूब होती थी, जो जैसे जैसे ये नीडल ऊपर की तरफ जाता था, वो ट्यूब भी धीरे धीरे इस तरफ होती थी, और उसमें ट्यूब में मर्करी लिक्विड रहता था। तो जैसे ही वो डाउन होता था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वो लिक्विड जो है वो नीचे की तरफ आती थी, और नीचे में दो पॉइंट रहते थे, ये एक में लाइव रहता था, दूसरा उसका कॉमन रहता था। तो जैसे दोनों आपस में शॉर्ट होते थे, तो वहाँ से, क्योंकि मर्करी जो है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ करंट है, ठीक है, तो उसके थ्रू फ्लो रहता था। बट अभी कि जो लेटेस्ट जो OTI WTI जो ये आ रहे हैं, आपके डिवाइसेस आ रहे हैं, वो उसमें माइक्रो स्विच होती है, पीछे में ना एक माइक्रो स्विच लगी रहती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस साइड में। ठीक है, तो यहाँ से ये सिग्नल जो है माइक्रो स्विच का कनेक्शन, ये नीचे आप देख रहे हैं, ये माइक्रो स्विच का अलार्म और ट्रिप के जो सिग्नल है वो यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक पे है। टर्मिनल ब्लॉक के थ्रू ये हमारा VCB को जा रहे हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को। जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये कॉमन है, कॉमन लाइन है, और ये सारे पॉइंट पे कनेक्ट है। जैसे ही ये कॉमन लाइन इस माइक्रो स्विच के थ्रू इस पे आए, दोनों अगर क्लोज होगा, माइक्रो स्विच अगर क्लोज हो गया ना, तो ये कॉमन सप्लाई जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट पे जैसे ही आएगी सप्लाई, यहाँ से वो VCB के ट्रिप कॉइल को सप्लाई मिलेगी, और VCB का ट्रिप कॉइल जो है वो ट्रांसफार्मर को ऑफ कर देगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़। और एक और बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आप ये नीडल के अंदर देख रहे हैं, दो टाइप की नीडल है, एक ये ब्लैक है और एक रेड है। ब्लैक नीडल तो करंट ये टेम्परेचर है जो जिस टाइम ट्रांसफार्मर ऑन है, जैसे अभी यहाँ पे 30-35 डिग्री दिखा रहा है, बट ये जो रेड वाली है ना, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, वो रोल ये है कि ये हिस्ट्री नीडल हम लोग बोलते हैं इसको, हिस्ट्री नीडल। अगर ये जो नीडल है ब्लैक वाली, इसका टेम्परेचर राइज हुआ, और वो इधर से आकर के किसी एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर के ट्रांसफार्मर को ट्रिप हो गया, जबकि ये ट्रांसफार्मर जो है ना वो ग्रिड में लगा होता है, और कंट्रोल रूम से अगर कोई टेक्नीशियन या ऑपरेटर ट्रांसफार्मर तक आ रहा है, तो आते आते ही टेम्परेचर कितना डाउन हो जाएगा वो हमारे वेदर पे डिपेंड करता है। अगर सर्दी के टाइम में ट्रांसफार्मर ट्रिप हुआ, तो जल्दी वो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो ऑपरेटर को पता ही नहीं चलेगा कि टेम्परेचर कहाँ तक गया था। तो ये हिस्ट्री नीडल है, ये सिंपली क्या है, इसको अगर आप क्लोजली देखें तो ये सीधी नहीं है, आगे में एक नॉच है जो 90 डिग्री डाउन पे, यहाँ देखो, यहाँ क्लियर दिखेगा आपको, दिख रहा है रेड नीडल है, और एक नीडल ठीक 90 डिग्री नीचे की तरफ जा रही है, देखो। तो वो इसलिए है ताकि ये ब्लैक नीडल जब इसके पास रीच करेगी ना, जैसे इसके पास में रीच करेगी, ये नीडल सिर्फ इसको पुश करके लास्ट तक जाएगा, इसका कुछ रोल नहीं है। बस देखो, ये नॉर्मल नीडल है, ठीक है, बस ये ब्लैक वाली उसको मतलब धक्का देकर के जहां तक लाएगी, फिर अगर ब्लैक वाली वापस भी आ गए ना, तो ये नीडल वो लास्ट पॉइंट दिखाएगा कि कहां तक टेम्परेचर गया था। बस इसीलिए दो नीडल रहती है, एक नीडल आपके, आई थिंक अब क्लियर दिख रहा होगा, ये ब्लैक नीडल, और ये ध्यान से देखो, एक नीडल ये
रेड वाली सीधी है, फिर एक नीचे की तरफ पॉइंट करी है। जब ये नीडल जाकर किसी को धक्का देती है ना, उसके बाद ये ब्लैक नीडल वापस आ भी गई ना, तो भी ये रेड नीडल वो लास्ट पॉइंट को बताएगा कि ये कहाँ तक टेम्परेचर रीच हुआ है। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, बाकी कुछ अगर डाउट है तो प्लीज़ पिंग मी योर कमेंट। थैंक यू सो मच।